नहीं, अन्नदान सहे कोई दान नहीं। कर्णधारी ने प्रतिदिन सलामन करत दौर पर दीन दुखियों को दान दिया। स्वर्ण दान सहे अन्नदान बड़ा, कर्णधारी नहीं पहचान किया। की बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर से चलकर आए हैं तुम्हें जलवा दिखाना होगा। यह तर्ज लेकिन गाना का भावा और लाइन खास तौर से रोज तो पब्लिक के लिए होगा लेकिन आज खास तौर से बुल्लू भैया के लिए होगा। क्या कि आज माथा गरम लगत हो। इनके समझौता हो कि जब चाह जिगर में फूल की है बगिया को सजाना होगा। जब चाह जिगर में फूल की है बगिया को सजाना होगा। जब चाह जिगर में फूल की है बगिया को सजाना होगा। अरे जब चाह जिगर में फूल की है बगिया को सजाना होगा। अरे कुछ खोकर कर रहे कि कुछ खोकर पाया जाता है कुछ पाकर गवाना होगा। कुछ खोकर गवाना होगा। ए भैया तो जब कर्ण महाभारत में बड़े भाग से भेंट होला। जब कर्ण महाभारत में मृत्यु वरण किया है, अरे मरते दम कृष्ण अर्जुन को सोना कर दिया है, तानी कर्ण को स्वर्ग में सम्मान मिला है, रहने के लिए सोने का मकान मिला है, सोने कहीं पलंग और सोने कहीं बर्तन, सोने की थाली में मिला सोने कहीं भोजन। कर्ण जब स्वर्ग में पहुंचा तो सोने का महल, सोने का पलंग, सोने का बिस्तर, सोने का थाली, सोने गिलास, खाए का टाइम है बचवा सुना, खाए का टाइम है, सोने के थरिया में थोड़ा सोना रख के आगे खाए बदे, और पानी के जगह सोने गिलास में थोड़ा सोना रख के आगे पिए बदे। सेवक से कहा कर की जिज्ञासा जगी है, खाऊंगा कैसे सोना हमें भूख लगी है। कर्ण सेवक से कहा करे सोने का महल ठीक, सोने का पलंग ठीक, सोने का बिस्तर ठीक, सोने का थाली ठीक, सोने गिलास ठीक, लेकिन खाए बदे भी सोना और पिए बदे भी सोना। सेवक ने कहा भोर में दरबार लगेगा, भगवान से पूछ लेना पता बाप चलेगा। अरे भैया सेवक ने कहा कि अगर ज्यादा जानकारी करना है तो भगवान से जाके पूछ लो। कर्ण भोर में भगवान के सामने पूछा ई कौने कसूर का सजा हमके मिलल। भगवान कहते हैं कि अरे कर्ण जीते जी सवा मन सोना दान किया, सवा मन सोना दरवाजे में दान करके तो जल ग्रहण करता था, लेकिन किसी को कुछ दिया, किसी को अन्न दिया जल दिया और नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं लेकिन तर्ज बदल गए भैया। तर्ज है बा की नहीं झूलनी की छैया बलम दुपहरिया बिताइला। ये तो औरतिया कहले तो हम जवाब दे का कि तोरी झूलनी की नीचे गुरी कुल जीवन बिताए दे। Oh,
बेनिया टुलू हमार कहना हो कि अरे का करी है गोरी गर्मी के दिन मा अरे चूहे न दे पसीनवा गोरी तोह शिमला घुमाए दे बाबा भगवान कहते हैं अरे बोले हा भगवान बचनिया असल जवन पहला उपाय हो अब सुनवे दुखाइदा हो कैया परान तनिया यतल अब सुनवे दुखाइदा हो अरे कैया परान तनिया यतल अब सुनवे दुखाइदा हो अरे जवन देहला तवन लेला सवामन सोना दान करके पानी पियत रहला ए भैया आप अन्न कोई के दहला ना पानी कोई के दहला ना तब मिली कैसे कर्ण कहा कि ऐसे स्वर्ग में हमें नहीं रहना हमें भेज दीजिए धरती पर जाऊंगा या अन्नदान करूंगा तब आऊंगा। भगवान कहा कि एक बार नहीं चार बार दस बार जाओ लेकिन अन्न तभी मिलेगा जब अन्नदान करके आओगे। कर्ण आया धरती पर लेकिन पुनर्जन्म हुआ तो कैसे हुआ और कहां हुआ घर बागी पहले के जमाने में उसे जाता पीछे तो गाय गाय के पीछे तो अपने बनारस जिला को गाँव में नदिया किनारे मिर्जा अरे नदिया किनारे मिर्जा बंगला छावा वाले हो भैया राखी राखी बड़की बड़की कड़ेर की होले हाँ वैसे वैसे वो धुनियो हो जाले वो का कही है कि मोरे पीछा वाला मार मोरे पीछा वाला मार जा मेरी आ गई तेरा तो कहे कि कह कैसन उदासल है तो कहत बा का कहे कि सास मोरी अन्हारी सास मोरी अन्हारी अनानाद चाकर चोनारी आ बुढ़ावा के दुखल हम पलैली मोरी बाबूजी बुढ़ावा के दुखल हम बोला है कराना दे दा फिरा से जाना मावा हो फिरा से जाना मावा अचाई के कला भयना दाना आए भगवान जाना मा कराना जाके गुजरा सा देसा गुजरा सा देसा पानी आ का पानी के ललना आए भगवान
वही में एक बनिया के घर जाके कर्ण उतार लिया। दोबारा जब दोबारा पुनर्जन्म उसका होता है तो धीरे धीरे बढ़े लगले। जब सयान भैरन है धीरे धीरे लाई का हो जबर की साया ना भैन भैन माई बाबा कर मारा ना भाई भगवान संसार भक्ति करे, लेकिन अब तो अकेले हो गए। तो पास पड़ोस वाले बड़ी मदद के लन, पास पड़ोस वाले काम मदद के लन कि अकेल समझ के उनका ब्याह करा दे। तो भैया जी के सामाजिक रीति से रहना हो ओके ब्याह जरूरी हो, लेकिन जे के भक्ति करना हो ओके कहन लोग कि ब्याह नहीं या ब्याह है सके तो ले बचाए पालन बेड़ी पड़ता है ढोल बजाए बजाए। ब्याह में जब फसाओ गए ना फंदा में वहां का भाव कभी देलन अरे चढ़ता जवानिया गवाना भैल हो आईली घरा में दूलही मिलन भैल हो शादी भयल तब का भयल दुल्हन आई घरे। जब दुल्हन आई तब का भयल कि लाला जी के बरसन सवाना आय हाय हाय लाला जी के बरसन सवाना सावन बरसल तब का भयल कि गोदिया में पैदा भयल लड़का पैदा भयल अरे पुत्र देखो फूल कित नयन भई न हो अरे नयन भई न हो आईली घर में दुलही मिलन भई न हो आईली घर में दुलही मिलन भई न हो आईली घर में दुलही मिलन भई न हो। ये दुर्भैया पुरस्कार भयल जब दुल्हनिया से कहन की प्रिय हमारी इच्छा है कि गृहस्थी कार्य अपने जगह पहुंच गए और अब हमके कुछ भक्ति करे के पड़ी, लेकिन तर्ज बदल गए मास्टर तर्ज जरा और जिसे उसका के तर्ज है बा कि झूलानी में गोरी लागा हमारे जीव यह तर्ज, लेकिन वो कहेगा कि भक्ति में गोरी लागा हमार जिया भक्ति में गोरी लागा हमार जिया भक्ति में गोरी लागा हमार जिया। भक्ति हो या कैसे हो कि एक साधु के रोज भोजन करेबा अरे टूटे ना नहीं आके धागा हमार जिया। इच्छा के एक साधु के रोज खिया के तब खा कहने की जैसन इच्छा हो ओके पूरा कर ला अपने आत्मा के शांति कर ला। अरे जला तो मना मंदिर में दिया ना सोने का दानी फिर बनाया न का दाता। तो पहले जन्म में सवा मन सोना दान करके पानी पियत रह जन्म में पे कैलन कि एक साधु के रोज खिया के तब खा। जब सिलसिला चलन तो एक दिन की है शिक्षा भगवान की इच्छा लूंगा भक्त की परीक्षा लहराए जिया। अरे भक्त प्रेमी मन भाया घर भोजन बनावाया कोई साधु नहीं आया घर दुखाए जिया। एक रोज खाना बनवा के तैयार करो कोई साधु मिलबे ना कर तीसर पहर हो चलल तो बिना संत को खिलाए कैसे भोजन करूँ यार। भक्त
से चले घबराए बेकला जिया। घरे से चलन ए भैया साधु खोजे कुछ दूर गिलने गुफा में, एक गुफा में है आए एक कोही तंत पाए, भोजन हेतु फरम आए प्रेमला जिया। एक गुफा में जाके देखेंगे एक बुढ़ा साधु जटा बढ़ा के पाप फैला के बैठा शरीर से कोस चुवत बा, हाथ जोड़े खड़ा भेलन की महाराज आज चल के हमारे घरे भोजन के लेता तो हमारे प्राण रह जात। साधु बाबा कहें कि जाए अपन काम करा, साधु संत के खियावे के औकात चाहिए। कहें कि औकात तो नहीं महाराज, लेकिन खाना बनल हो चल के खा लेता तो हमारे बात रह जात। कहें कि तुहार बात हम रख दे, हमार बात तू रख दा। तक कवन बात रखे के सत्य कार साधु बाबा के, अरे हंस के साधु बाबा बोले सुनीला सरत हमार हो, अब पहले तुहार दुलही नया सरत तो रहो श्रृंगार हो। सिंगार करके आवे अब खांची में रूही भर लावे, वही में हम के बैठावे और तब अपने घर ले चली है खटिया रखत का पार हो। अब तुई कोहक कोही के तन से कुछ ना होई बेकार हो। सुहाग रहनिया तुरहो सिंगार करके आवे खांची में रूही भर के लिए आवे, वही में हमके बैठा के ले चले तब हम चल। बुढ़ा आदमी है जाए लगना है तो हमें उठा के ले चले। कहे की जरा सा मौका दब तुरंत संत सेवक घर आए अपनी नारी से फरमाए। जाके दुल्हनिया से कहन की प्रिय एक साधु मिललन जरूर, लेकिन उनका इच्छा कुछ और हो। का इच्छा हो कि खांची में रुई भर के ले चला, वही में बैठा के उन्हें धो के कपार पर लिए वो तब यही हन। अरे पतिव्रता वह नारसयानी कर सुरहु श्रृंगार हो, और जाके साधु को घर लाई खटिया रखी का पार हो। जाके साधु को घर लाई खटिया रखी का पार हो, अरे जाके साधु को घर लाई खटिया रखी का पार हो। तुरंत सुरहु श्रृंगार करके गईल खांची में रुई भर के, वही में साधु के बैठाए कपार पर ढोए के लिए लिया के आंगन में उतार के लीप पोत के बैठा के और भजन में गावे दोनों प्राणी। लेकिन का जाओ भैया ए थम रहा तो आप भैया, अरे साधुओं की सेवा में सर जो है भाई आपके जानल मानल हो कि पर्वतों के साए में चांद का बसेरा है वह सर जाओ, लेकिन ये दुर्बदगात पर साधुओं की सेवा में जीवन को बिताना है। साधुओं की सेवा में जीवन को बिताना है। साधुओं की सेवा में जीवन को बिताना है। अरे जिंदगी का मतलब तो आना और जाना है। अरे जियाल हो के जाए के पड़ी और आवे जाए में जो रास्ता बीचे कह बड़ा कठिनाई से कटल, जो बचल रास्ता जिंदगी कह ओके साधु की सेवा में बिताना ही है। दोनों गावे अति शुद्ध भोजन जब साधु तब भोले है, बढ़िया दाल भात रोटी तरकारी घी नाय के परोसन। साधु बाबा कहें कि यह दाल भात रोटी तरकारी खाए बदली ला हमके, कह तब का खेबा महाराज कहे मौत हम खाएंगे। मेरा ये तराना है मौत हम खाएंगे, मेरा ये तराना है मौत हम खाएंगे, मेरा ये तराना है। अरे हम मांस खा कल इतना सा मौका दा, अरे जो ना देखा मांस भर नया नवा भक्त प्रेमी हो, और चले खरीद साधु के कर नवा भक्त प्रेमी हो। चले खरीद साधु के कर नवा भक्त प्रेमी हो, चले खरीद साधु के कर नवा भक्त प्रेमी हो। अरे लाए जब करे कमास साधु बोले गुस्सी आई हो, कि खाऊंगा मानुष का मांस तेरे बेटे का भाई हो। अरे काटा अपने बेटा का गर्दनवा भक्त प्रेमी हो।
कि बकरा भेड़ा का मांस न खा। कह तब का खेबा महाराज मांस काला मांस ले ली। कह कि अरे हमके मनुष्य का मांस चाहिए। और मनुष्य के जी के चाहत कुल आदमी के मस्तियों न खा। कह कौन मनुष्य चाहत है तो के कह अपने बेटवा गर्दन काट के वो खली में कूट के हमारे सामने परोसता तब हमें हार कर। और एक बात याद रहे कि मंगल गीत गाते कूटो आंसू न गिरने पाए हो वरना हम खाएंगे नहीं तुम झूठे मुझे बुलाए हो। अरे तुरंत बुलाए बेटा के सबनवा भक्त प्रेमी हो और कहले साधु बाबा के मंगलवा भक्त प्रेमी हो। तुरंत बेटे को बुलाकर कहते हैं भक्त कि बेटा तू जाने लगे हम एक साधु के रोज खिया खाई ला लेकिन आज जवन साधु हाल हो उनकर इच्छा हो कि अपने बेटवा गर्दन काट के थाली में परोसा और खली में कूट के। तो बोला मोहना पुत्र पिता से तुरंत बात मुस्का के सौ से करिए साधु सेवा मेरा सरल गा के चलाता मना मंदिर में दिया ना ऐसा मौका कोई भाग्यवान है पाता। पिता के कर्मों का संस्कार बेटे पर होता है और संस्कार बोल पड़ा कि बाबू अरे दुनिया में आके इस संसार में आके जीव माया में फंस के अभागा हो जाला और सत्कर्म में लग जा साधु सेवा में लग जा तो भाग्यवान होला। तो आज अपने बेटवा के भाग्यवान होए द और जल्दी हमार गर्दन काट के साधु सेवा में लगा दा। दोनों प्राणी मौन हो गए शांत हो गए। बाप का दिल भले कठोर हो मतारी का दिल बड़ा नरम होला अपने बच्चा के प्रति भाव यहां कहो। अरे बाप का दिया कठोर भले हुई है माई कची अलावा हो मां मतर कढ़ा करे के हो एक क्रिया के जरूरी हो पूरा करना लेकिन कैसे कर भी है सोचत हो। पुरस्कार ये मतारी सोच रही है अरे कैसे अपने बेटा के मारा बरकता निभाऊंगी। तब तक बेटा बोल पड़ा कि माँ बड़ी देर हो रही और देर हुई तो बड़ा घाटा लग गई। अरे पूना मोहन बेटा माता कर हमारा देरिया वरना बाबूजी कब्र तो हो जाई बेकार। अरे ममता का डोरिया हटावा मोरे जननी वरना साधु रूठ गई है आई के दुआर। पहला घाटा की बाबूजी का व्रत खंड हो जाई दूसर घाटा की साधु द्वारे से नाराज होके चली है और तीसर घाटा की तीर्था जन्म हो हमारी। अरे तुरंत संत सेवा चला हो के तैयार कर
महाराज की जब थाली में परोस दिलन है, साधु बाबा कहलन की भक्त तुमने दिया और हमने लिया, लेकिन जैसे तेरी दुल्हन लाई है वैसे पहुंचा दे। भक्त कहा कि प्रिय हिम्मत करो, सुरहो सिंगार कहिले लाख पड़ल बा शरीर कापत वाले के सुरहो सिंगार करके खाची में रूई भर भर के मैं साधु के बैठा के पार को उठा लेते और लेके जब चल गया आखिरी भाग। अरे साधु के कपाल ऊपर धारी पगली सही चल मच अरे साधु के कपाल ऊपर धारी पगली आ कैली बजर कही कपार से उतारे तो खांसी से वो चमक निकल की देखत रह गए। अब भगवान के बगल में बेटा खड़ा है, बेटे के चेहरे पर बैराग चमक रही कि देखने के लायक है और प्रभु के बगल में खड़ा रहा मोहन बेटा हरसाई किरे चल भगवान के तीनों गाय तुरंत लपटाई चमक कर किस्मत कह सीता रवा मतारी बदली तीनों लिपट गए भगवान के चरण से। भगवान कहे कि भक्त उठो कुछ मांग लो। कहे प्रभु की वर मांगो तब कहा संत हरसाई अरे किसी की ऐसी प्राण परीक्षा मत लेना सुखदाई वरना हो जाई का सुरभा मतारी बगली। चाही का कहेंगे कुछ न चाहिए, चाहिए इतने कि कलयुग में अपने भगतन के इतनी कठोर परीक्षा मत लिया नहीं केहू से गलती हो जाई ओकर भक्ति नष्ट हुई। दिए मुक्ति तीनों को भगवान तुरंत स्वर्ग पठाए वही मर सोने के दाके कर फिर पाए अरे खाई ले